छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने आगामी 16 जून से प्रारंभ होने जा रही सभी स्कूलों की तिथि में वृद्धि की है। इसको लेकर सभी स्कूलों में आदेश भी जारी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को 25 जून तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर आगामी 26 जून से ही सभी स्कूलों के खोलने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि आगामी 16 जून से छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय पर बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी से राहत देने के लिए अब स्कूलों को 16 जून के बजाय आगामी 26 जून को खोलने का फैसला लिया और निर्णय सुनाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस आदेश के बाद स्कूली बच्चों और अभिभावकों को और साथ ही शिक्षकों को काफी राहत मिली है। इसे लेकर आदर्श कन्याशाला के प्रिंसिपल ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। जी, अभी एक्चुअल में क्या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, इतनी गर्मी में बच्चों के आने जाने से बीमार पड़ सकते हैं बच्चे, और इसीलिए अभी शासन का भी, राज्य शासन का भी एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने जो छुट्टियां 15 जून 2023 को ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो रहे थे उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है और 25 जून 2023 तक शालाओं को बंद करके 26 जून से शालाएं प्रारंभ करने के आदेश दिए। मैं पालकों से भी कहना चाहूँगी, बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि वो ये मान के चले कि उनका तो हर साल 16 जून से स्कूल खुलती था, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं 16 जून से पढ़ने के लिए और वो इस बीच अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर धूप में ना घूमें, जिसके कारण पढ़ाई जैसी ज़रूरी चीज़ को शासन ने रोक करके 26 जून से किया है, तो वो घर पर रहें और अपना जो पढ़ाई का मूड बना करके अगली कक्षा की जो किताबें हैं, कॉपियां हैं, उनमें कवर चढ़ाएं और उनमें से अपने आप भी कुछ पढ़ने का प्रयास करें। बहुत सारे वीडियोज़ मोबाइल पर अपलोडेड हैं, कुछ उनमें से देख करके पढ़ें, कुछ समझें, बाकी तो फिर जब 26 जून से स्कूल खुलेगा तो यहाँ पर हम पढ़ाएंगे ही। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।